हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी मनी एंड बैंकिंग की डिस्कशन को नितिन सिंघानिया के थर्ड एडिशन से। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मुझे सबसे पहले कोई डिफ्रेंसिएशन बता सकता है कि एक टर्म होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी टर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? बस बोल के ख़त्म। फिस्कल पॉलिसी जो भी डिसीजन मेकिंग इकोनॉमी को करेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप ले सरकार, मॉनेटरी पॉलिसी जो भी स्टेप ले इकोनॉमी को करेक्ट पाथ पर लेकर जाने के लिए, कौन? आरबीआई, राइट। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी कौन सी होती है? दोनों इम्पोर्टेंट है। क्या बात है लड़की, ट्रेन हो गए अब तो है। चलो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे इकोनॉमी को करेक्ट पाथ पर लाने के लिए जो डिसीजन मेकर है वो कौन है? आशिमा, हमारे देश का एपिक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीआई। लाइब्रेरी में बैठे हो क्या आशिमा, टाइप कर रहे हो? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल होता है, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर टच करा जाता है तो वो टच करा जाता है नॉट इंडिविजुअल यूनिट्स बट एग्रीगेट्स, और एग्रीगेट्स किसे कहते हैं? टोटैलिटी। लेकिन टोटैलिटी मतलब क्या? इकोनॉमी के हर एक इंडिविजुअल यूनिट्स को एज अ होल में देखना, राइट, यही होता है। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज करा जाता है, किस लिए? मनी के सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मनी के सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट के तहत आरबीआई बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल मनी सप्लाई और मनी क्रेडिट, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। जो भी मेजर्स आरबीआई के द्वारा यूज करे जाते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी ईजिंग। याद रखना, वो पॉलिसी मेजर्स जो कि आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी के अंदर, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो, उसको कहते हैं मॉनेटरी ईजिंग। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई स्टेप ले रहा है मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए, क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी? ये यहां पर क्या लिखा होता है? निर्भय बताओ, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, अगर आरबीआई डिक्रीज कर दे मनी सप्लाई को, आरबीआई खींच ले मार्केट से पैसा, इकोनॉमी से पैसा, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी? बताओ, इंक्रीज में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी प्रमोट, डिक्रीज में होगी? सोच समझ के बोलो श्रेया, श्रेया होश, नहीं श्रेया होश में बोलो, होश में। ये देखो, आरबीआई डिक्रीज कर रहा है मनी सप्लाई को, लेकिन मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी कैसे? श्रेया होश में ही बोल रहे थे यार, क्यों कॉन्फिडेंस लूज करते हो? मयूर, निर्वैर खिंचा के अपने अपने थप्पड़ मारो गलत आंसर पे।
ऑब्वियसली बात है यार, एक बार बताना, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज कर रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान नहीं रख रहा वो, क्या अपनी मनमर्जी से कर रहा है वो? इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए करेगा आरबीआई कभी ऐसा कोई भी स्टेप लेगा? अब यहां पर एक टर्म मिसिंग है, जब आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है इकोनॉमी के अंदर, उसको कहते हैं मॉनिटरी ईजिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो डिक्रीज करने को क्या कहते हैं, आपको आइडिया कोई, क्या कहेंगे हम इसे, कभी सुना होगा टर्म? मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है श्रेय, उसे मॉनिटरी ईजिंग कहते हैं। मनी सप्लाई जब डिक्रीज होती है उसके लिए क्या टर्म होती है? यहां पर गिवन नहीं है, बताओ। हाँ हाँ वो तो ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, मतलब कुछ सुना है उसका? मॉनिटरी आगे क्या वर्ड लगाओगे? अरे ईजिंग ही है वो भी यार। उससे भी तो पूरा का पूरा मनी सप्लाई और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर रहा है आरबीआई, वो भी मॉनिटरी ईजिंग होता है। कभी अगर अभी तो बताया, अभी आपने ही तो आंसर दिया आप लोगों ने, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो भी रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ही तो पर्सपेक्टिव है आरबीआई के दिमाग में, कि ज़्यादा अगर ओवर सर्कुलेट हो गया मनी तो उससे खींच रहा है वरना इन्फ्लेशन आ जाएगी, ये भी एक मॉनिटरी ईजिंग का प्रोसेस नहीं है? बताओ, बोलो हाँ कि ना, तो लिख लो इसे। मॉनिटरी ईजिंग जो है वो दोनों सेंस में यूज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। और एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर, राइट? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। एक क्वेश्चन लिख लो सब लोग, श्रेय क्वेश्चन लिखो जरा। व्हाट आर दी वेरियस tools and instruments of monetary policy used by RBI to control मनी सप्लाई या इसकी एक टर्म आ सकता है यूज बाय आरबीआई और करके मैं इसलिए लिख रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई यूज बाय आरबीआई फॉर क्रेडिट कंट्रोल, इसलिए लिखवा रहा हूं। हर जगह श्रेय होता क्या है कि मनी सप्लाई मनी सप्लाई मनी सप्लाई बका जाता है पूरे सीबी सचदेवा की सीरीज में, क्रेडिट कंट्रोल नहीं देखा ना हमने वर्ड। अब ये चीज़ ना एक छोटी सी टर्म ये कंफ्यूज कर सकती है, हमारा टाइम वेस्ट करवा सकती है। तो एक ही बात होती है यहाँ पर, और डाल के इस प्रकार का क्वेश्चन लिख लेना। लिख लिया आप सबने क्वेश्चन, में आगे बढ़ूँ? व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, या क्वेश्चन दूसरा बन सकता है यूज बाय आरबीआई फॉर क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब भी यही होता है, और ऊपर हेडिंग में भी अपनी बुक में या नोट्स में लिख लो, क्रेडिट कंट्रोल इज इक्वल टू मनी सप्लाई। और मेंस में ना आजकल श्रेया सच बताऊं मयूर, यही क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल ऐसे जीएस पेपर 3 के अंदर, बहुत बेसिक। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई जो है वो बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करता है एज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल, ताकि कितना अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, या एक ही बात है कितना क्रेडिट इकोनॉमी में सर्कुलेट होना चाहिए उसको इन्फ्यूज करना है या सकआउट करना है
इकोनॉमी से ये आरबीआई डिसाइड कर सके। इसके लिए दो टर्म होती है मयूर, जरा हम सबको बताओ, जो सीबी सचदेवा से हमने पढ़ी थी, दो टर्म होती है, मनी सप्लाई, मनी घुसाना इकोनॉमी के अंदर और निकालना, क्या कहते हैं उसको, एक चलो हिंट दे देता हूं, एक इंजेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, इंजेक्शन और अरे भगवान ये मेंस में अच्छा लगेगा ये वर्ड सक करना, अरे यार क्या करते हो तुम लोग, लीकेज एंड इंजेक्शन, भूल गए, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज मतलब क्या है श्रेया, बाहर निकलेगा अंदर जाएगा पैसा, बाहर निकलेगा। और कुणाल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, पैसा आरबीआई भेजेगा इकोनॉमी के अंदर या बाहर निकालेगा, भेजेगा, सर्कुलेट करवाएगा। अब ना आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल के बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करे जाते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव मतलब कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होना चाहिए। It focuses on quantity of पैसा, दूसरा जो होता है वो आरबीआई के कुछ curbing और कुछ फ्लेक्सिबल स्टेप्स होते हैं जिसको हम जानेंगे। बस आप क्वांटिटी जान गए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली अभी आपको क्लियर हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा वो, क्योंकि कोई एक वर्ड नहीं होता कि क्वालिटी ऑफ पैसा, क्वालिटी मतलब क्या, अच्छे नोट आ रहे हैं बुरे नोट आ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब किसी और सेंस में कुछ और होता है। लेकिन आरबीआई की कर्विंग मतलब खींचना है, फ्लेक्सिबल मतलब ठीक है यार सर्कुलेट हो रहा है, थोड़ा बहुत होने देते हैं, थोड़ा बहुत डाल देते हैं, थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं इकोनॉमी से पैसा, ये वो वाले स्टेप्स। दो कैटेगरी जानते हैं ब्रॉडर। अब हम लोग पहली कैटेगरी में जंप करते हैं, पहली कैटेगरी के आरबीआई के टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं मनी सप्लाई के लिए। तो है उसका उसका नाम है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ पैसा कितना इकोनॉमी में घूमना चाहिए। अब इसके लिए चार चीज़ें होती हैं जिसके बड़े सारे सब पार्ट्स होते हैं, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसके अंदर होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चौथा होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जिसके अगेन दो पार्ट होते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैटटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या ये सारे टर्म्स आप लोग इन टर्म्स से वाकिफ हो, फैमिलियर हो, सीबी सचदेवा से कर चुके हैं हम लोग, राइट आशिमा है ना जैद? लेकिन अब यहां पर ना क्या करेंगे हम लोग श्रेया, थोड़ा सा इसका सुप्रीम वर्जन जानेंगे, कुछ और चीजें इक्की दुक्की जानेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो ये याद रखना, ये होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट एक वो रेट होता है जो आरबीआई यूज करता है कि जब हम लंबे समय के लिए स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, और स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कुछ नहीं होता, आरबीआई के अलावा जो भी बैंक्स होते हैं वो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं अगर वो रजिस्टर्ड हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उनके तहत, ठीक है?
चाहे आप इनको कमर्शियल बैंक बोलो चाहे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा रेट होता है जो कि आरबीआई डिसाइड करता है कि जब हम लंबे समय के लिए लोन देंगे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को तो हम लोग उनसे ब्याज कितना लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे। क्यों? जहाँ पर अगर इकोनॉमी में, बिजनेस स्टडीज़ में और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कभी भी अगर ये वर्ड लोन आता है, लोन के साथ हमेशा एक वर्ड क्या अटैच होता है, इंटरेस्ट। तो लोन किन मुद्दों पे बात करता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, राइट। अब यहां पर होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज कितना लगेगा जो आरबीआई चार्ज करेगा जब वो लंबे समय के लिए लोन देकर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को विदाउट एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखवाने की जरूरत नहीं है यहां पर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, विदाउट एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स नहीं, कैश मैनेजमेंट बिल्स नहीं, डेटेड सिक्योरिटीज नहीं और स्टेट डेवलपमेंट बिल्स नहीं। बैंक रेट जो है वो फिक्स करा जाता है आरबीआई के द्वारा, फिक्स करा गया अभी, मतलब ये चेंज हो सकता है, एट 25 बेसिस पॉइंट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीपीएस, बेसिस पॉइंट्स, या फिर इसको बोलने का तरीका होता है 0.25% अबव रेपो रेट। ये की टर्म मत भूलना, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट या फिर 0.25% ऊपर। March 31 2022 तक बैंक रेट जो चल रहा था इट वॉज 4.25%। अभी अपडेशन करके या एडिशन सर्च करके गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के हमारा कोई यूज नहीं है। लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट जब आएगा, एग्जाम में बैठने से 15 दिन पहले ये आंकड़े हमारे पास अपडेटेड फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। भले ही आपके पास फोर्थ एडिशन हो, अभी आप चलो आप गूगल से देख भी लो, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर उसने अपडेटेड पूछ लिया ना तो आपके तो नोट्स में वो चीज़ इंटैक्ट हो जाएगी, है ना, और फिर आप गलती कर बैठोगे क्योंकि आपके अंदर आ जाएगा फिर घमंड कि मेरे तो नोट्स में लिखा होता वो लिखा होता, क्या पता आपके एग्जाम से 10 दिन पहले को चेंज हुआ हो, 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता हो, आरबीआई की बोर्ड की मीटिंग हुई उसने चेंज कर दिया कुछ, मार्च के अंदर चेंजेस आए हो और PD365 इकोनॉमी की फरवरी में आ गई हो। एग्जाम में बैठने से पहले ये आंकड़े हमारे पास अपडेटेड फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। तो अभी आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। जनरली आरबीआई ये करता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स या 0.25% रेपो रेट से ऊपर ही रखता है बैंक रेट। और वेरियस टाइप की जो सिक्योरिटीज है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज और दूसरी चीजें क्या होती हैं। ये बेसिकली बस एक तरीके से आप स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से कोलेटरल्स मान लो कि जो वो आरबीआई के पास रखेगा लोन लेने के लिए। लेकिन बैंक रेट में बेसिकली क्या है, आरबीआई लोन दे रहा है लेकिन क्या कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखनी पड़ रही है बैंक को, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को? नहीं, ये विदाउट ही इसका की टर्म है। जबकि आप रेपो रेट में देखोगे कि देखते हैं क्या होता है। बैंक रेट की कहानी इतनी सी, उसके बाद बात करते हैं LAF की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सारी की सारी मॉनिटरी पॉलिसीज ही हैं, ये भी एक मॉनिटरी पॉलिसी टूल है जो कि अलाउ करता है बैंक्स को, बैंक्स मतलब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, कि वो आरबीआई से मनी बोरो कर सके थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रेपोस, दोनों चीजें आरबीआई से बोरो कर सके या आरबीआई को उधारी दे सके थ्रू रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से, रेपो रेट, जब आरबीआई बोरो करते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से तो क्या कहते हैं उसे, रिवर्स रेपो रेट। पूरा नाम रेपोस का होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट्स। 1998 में नरसिम्हन कमेटी बनी थी, इसने एक रिपोर्ट निकाली थी, रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इस कमेटी की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत आरबीआई ने
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी थी, यानी कि हमारे देश में अगर हमसे कोई पूछे आरबीआई ने कभी इंस्ट्रूमेंट्स निकाले रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, बोलो आफ्टर नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, राइट? तीन चीजें निकाली थी वैसे आरबीआई ने, इंट्रोड्यूस करी थी नरसिम्हन कमेटी की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सबसे लेटेस्ट इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था। पहले बात करते हैं रेपो रेट की, रीपर्चेस ऑप्शन रेट। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है, पता है एंजराम ट्रैप करने की टेक्निक देखो यूपीएससी की। रेपो रेट तो हर किसी बुक में लिखा रहता है, इंस्टीट्यूट के नोट्स में लिखा रहता है। वो पूछ लेगा या तो रीपर्चेस एग्रीमेंट्स, ये टर्म दे देगा, नंबर वन टर्म ये याद रखना, नंबर टू टर्म याद रखना है रेपो रेट। एक एडवांस लेवल की टर्म आजकल और चली है, रीप होती है मतलब वैसे चली गई, मतलब बुक्स में अब लिखी जाने लगी है जो प्रॉपर है, रीपर्चेस ऑप्शन रेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीपर्चेस ऑप्शन रेट। अब बताओ कैसे पता लगाओगे ये रेपो रेट ये क्या है? जो चीज सुनी नहीं है तो मनगढ़ंत से थोड़ी ना कहानी बना लोगे आप। क्या क्वेश्चन जब आया था खराई कैमल या प्रोसिपिस जूरी फ्लोरा, अपने मन से अजम्पशन थोड़ी ना बना लोगे। याद है चले वो 3 किलोमीटर पानी में तैरता ही होगा, है ना, या वो इनवेसिव स्पीशीज है, ये क्या बात हुई? पेपर होने के बाद तो हर कोई बता देता मयूर के क्या आंसर था, उस टाइम पर करके दिखाओ। और वो पानी में रहता है भाई साहब, 3 किलोमीटर ज़्यादा नहीं तो वो कर पाता, सॉल्टी वाटर में रहता है, पानी में तो छोड़ो सॉल्टी वाटर में। ठीक है, रेपो रेट रीपर्चेज ऑप्शन रेट, तो लिख लेना तीनों टर्म और करके अपने नोट्स में आप लोग या जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करते हो बार बार। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रेपोस, रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा ब्याज की दर, ऐसे ब्याज की मूल एट विच आर बी आई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, कुछ नहीं है। नंबर वन डिफरेंस, बैंक रेट आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स विच आर प्रोवाइडेड बाई आर बी आई टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट्स आर मेंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स विच आर प्रोवाइडेड अगेन बाई आर बी आई टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। डिफरेंस नंबर टू, इन टर्म्स ऑफ बैंक रेट स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स नीड नॉट टू सबमिट एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विद द आरबीआई फॉर टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, बट इन केस ऑफ रेपो रेट स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स गेट लोन ओनली अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब यहां पर बात अधूरी रह जाती है हमारी, अगर रीपर्चेज ऑप्शन रेट को अगर क्वेश्चन की फॉर्म में यूपीएससी पुट कर दे तो ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? क्योंकि यूपीएससी बड़ा चालाक है, वो अब क्या करेगा कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए, पहले तो क्वेश्चन ही टफ बना दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीपर्चेज ऑप्शन रेट, मतलब हमें पता होने के बावजूद भी नहीं पता ये, फिर क्या करेगा कि ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है। दूसरा कीवर्ड, पहली स्टेटमेंट इसकी, ठीक है, दूसरा कीवर्ड डालेगा खतरनाक, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है। अब बैठ के वहां सोच रहे लॉन्ग टर्म लोन होता है कि शॉर्ट टर्म होता है, यार ये शॉर्ट टर्म वाली बात रेपो रेट में थी कि बैंक रेट में थी, चलो आपको ये याद रह गया। अब यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से लोन मिल जाता है, वो तो बैंक रेट में भी मिल जाता है, लेकिन आप कहोगे वो लंबे समय के लिए मिलता है, छोटे समय के लिए मिलता है, वहां पर सिक्योरिटीज डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, यहाँ करनी पड़ती है। लेकिन अब वही चीज है ना, यहाँ सिक्योरिटीज के आप दोबारा अपनी नोट्स में नाम डालो, उसमें कंजूसी मत करो। क्या क्या है सिक्योरिटीज? ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट बिल्स। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड बाय द आरबीआई टू अप्रूव लोन्स टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग देम लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन विच इज नोन एज रेपो रेट या रीपर्चेस ऑप्शन रेट या रीपर्चेस एग्रीमेंट्स। ऑप्शन नंबर वन ट्रेजरी बिल्स, ऑप्शन नंबर टू कैश मैनेजमेंट बिल्स, ऑप्शन नंबर थ्री डेटेड सिक्योरिटीज,
ऑप्शन नंबर फोर स्टेट डेवलपमेंट बिल्स, और ऑप्शन श्रेया ओनली वन इज करेक्ट, टू आर करेक्ट, थ्री आर करेक्ट, फोर आर करेक्ट, नन आर करेक्ट। यही खेल रहा है ना आजकल, एलिमिनेशन तो गेम ही खत्म। और 2024 के लिए मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपको नॉलेज पे आपकी यकीन है, टिप्स पे आपकी सारी चीजें, तभी आप क्लियर कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर एग्जाम। मुझे अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो यूपीएससी कर रहा, तो जब उसको शर्म नहीं आ रही तो मुझे क्यों शर्म आए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने के बाद अब आपको अपनी किताबों की एक एक लाइन का रट्टाफिकेशन होना चाहिए। ये टर्म आज तक मैं कभी यूज नहीं करता, लेकिन सर बोल रहा हूँ, एक एक शब्द का रट्टा आपके दिमाग जबान पर होना चाहिए। समझ तो जाओगे, उसका हिंदी अनुवाद दिमाग के अंदर बिठा लो, लेकिन ये पूरी किताब का एक एक अंग्रेजी शब्द रट्टू तोते की तरह रटा होना चाहिए आपको। अभी नई रियलिटी है यूपीएससी, कुछ नहीं करा जा सकता। रेपो रेट 31 मार्च 2022 तक जो चल रहा था वो था 4%। नीचे रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में कौन किसको लोन दे रहा है, लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, कुछ गिरवी रखवा रहा है आरबी अपने पास, कहां गिरवी नहीं रखवाता बैंक रेट में, लेकिन वो लोन छोटे समय के लिए होता है, बड़े समय के लिए होता है, बड़े समय के लिए। एक चीज और, छोटी सी चीज और, अभी के लिए याद रखना, अभी के लिए जो आपके सामने एनालिसिस दिख रही है, एक एनालिसिस का पॉइंट अभी लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना इसको, वी विल अपडेट दिस बिफोर सेटिंग इन एग्जाम। क्या आंसर करो इसको जरा, कुणाल आंसर करो इसको, जैद बैंक रेट ज्यादा चल रहा है अभी या रेपो रेट? बैंक रेट, लेकिन इसको लिख लेना श्रेया इस स्टार एस्टेरिक लगाने के बाद कि बैंक रेट अभी ज्यादा है। आई विल अपडेट दिस बिफोर सेटिंग एन एग्जाम, कुछ भी हो सकता है ना तब, उस टाइम तक ये भी तो हो सकता है ना, रेपो रेट ज्यादा हो जाए, राइट? आरबीआई तो कुछ भी हथकंडे अपना सकता है श्रेया, मतलब मनी को सक करने के लिए या इन्फ्यूज करने के लिए, है ना मयूर? तो थोड़ा सा इन सब चीजों में चौकन्ना रहना, ठीक है? आगे बढ़ू मैं, बताऊँ समझ में आ गया इतना यहाँ तक कहानी? जाऊँ आगे कि कुछ पूछना है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हैं मैं? अच्छा ये अलग अलग तरह के ये क्या होते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, डोंट वरी। अभी मैंने आपको सिर्फ नाम दिया, कुछ नहीं है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से बात, कुछ गिरवी रखने की चीजें हैं, दीज आर, पहले तो एक कैटेगरी याद कर लो आप, इनको जानने से पहले सबसे पहले तो दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट बैठा लो, दीज आर कोलैटरल्स। क्या मैं बैंक रेट के लिए ऐसा टर्म यूज कर सकता हूँ? बड़ा हार्श है वैसे, कोलैटरल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा बोल सकता हूँ, आरबीआई यहां पर लोन दे देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को विदाउट द नीड फॉर कोलेटरल्स, बट इन टर्म्स ऑफ रेपो रेट कोलेटरल्स आर नीडेड टू बी डिपॉजिटेड विद द आरबीआई बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एंड फोर काइंड्स ऑफ कोलेटरल्स आर एंटरटेन्ड बाय आरबीआई नोन एज ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट बिल्स। ये सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं श्रेया, ये ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की कमाई का साधन है, वो रखवा रहा है बेसिकली। ये क्या होते हैं, डोंट वरी अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक वो दे रहा हूँ ना, पहले ऊपर की चीजें तो जान लो, फिर बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर के अंदर इसके। बढ़ूंगा आगे बताऊं, सबके मीनिंग लिखवा दूंगा, मुझे चिंता क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है यार। रिवर्स रेपो रेट, आप कौन किससे बोरो करेगा, रिवर्स हो गया, रेपो रेट को रिवर्स कर दो जरा, पहले बताओ रेपो रेट के, जल्दी बताओ फिर से, जल्दी बताओ फिर 10 सेकंड के अंदर फटाफट बताओ,
किसको, मेरे को, कमर्शियल बैंक्स क्या रख के। हाँ, और अभी कौन सा रेट ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। कुणाल, आरबीआई में अकाउंट कौन खुलवा सकता है? जैद, मुझे आरबीआई में अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं खुलता। रिवर्स रेपो रेट, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई बोरोस फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। ये आरबीआई यहां पर भिकमंगा कैसे हो गया श्रेय? मनी सलाह को कम करता है, भिकमंगा नहीं हुआ है आज भी। पैसे छापने की ताकत किसके पास है? मयूर, एक सेकंड मयूर, आईसीआईसी बैंक कहां पैसे छापता है अपने, बताओ कौन सी जगह पर इंडिया में? जैद, एसबीआई कहां पर नोट्स की प्रिंटिंग करता है? क्यों नहीं करता, चल कैसे रहा फिर? आरबीआई की मोनोपोली है इसमें। हाँ शेर, तुम कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उसमें। मजा कर, मत करो यार। करता है। हाँ अच्छी बात है, चलो कनेक्शन कर पाए, तभी तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ, ये चलो ऐसा हम कर चुके हैं, एनसीपी सस्ते पास है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। नहीं यार, इसके अंदर एक बार बताना श्री, हायर लेवल की एनालिसिस एक और जानने को नहीं मिल रही है, जो कि वहाँ पर पॉइंट्स 73-72 होकर पड़े हुए थे, है ना? यहाँ पर और अच्छे से हमारी रिविजन हो रही है, और मैं तो इन्जॉय करता हूँ यार इन सब चीज़ों को, चाहे 100-100 बार आए मेरे सामने, मुझे भागने में मज़े ही नहीं आते किसी चीज़ में। कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिंदगी में जिससे सच्चा प्यार हो। तो रिवर्स रेपो रेट में, जैसा कि आप लोगों ने बोला, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि आरबीआई जो है वो बोरो करता है, लेकिन आरबीआई यहाँ पर भिकमंगा नहीं हुआ है। आरबीआई का पर्पस क्या बोरो करने का? लिक्विडिटी को कम करना इकोनॉमी से, है ना? जितना मनी एक्सेस में वो फैला हुआ है। जैसे कैसा है, मान लो श्रेय आपको सैलरी मिलती है और घर वाले आपके देख रहे हैं बड़ी खर्चीली आ रही, तो सारे उड़ा डाल रही है, तो अब मम्मी आपके ऊपर कंट्रोल रखने लगी है कि जितनी सैलरी आएगी तो मेरे अकाउंट में पहले डलवाएगी, उसके बाद मैं तेरे को खर्चे के लिए पैसे दूंगी। अब काइंड ऑफ वो आपसे बोरो कर रही है, लेकिन आपसे क्या खींच रही है वो? लिक्विडिटी। हाँ इसी से देता है, और सरकार से, हाँ बस वो रख लेता है, सिक्योरिटी के पेपर वगैरह रख लेता है। लिक्विड मनी तो यहीं से मिलता है। हाँ बिल्कुल टसल भी हो गई थी आरबीआई गवर्नर और मोदी की कोविड के टाइम पर, जब उन्होंने कहा था, लेकिन आरबीआई कहता देखो ऐसा ये फालतू का पैसा उसके लिए नहीं है, तुम तो लोन्स माफ़ी करते रहते हो, तुम्हारी सरकारें वगैरह ये वो करके। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, आरबीआई एक्ट ही चेंज कर डाला था। वो भी कहानी हम पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है? पहले मुझे बताओ ये क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये एक ऐसा रेट होता है एट विच कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, उनके पास जो भी एक्सेस अमाउंट होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास भी जैसे, मतलब मान लो सारा घर खर्ची राशन वगैरह निकालने के बाद श्रेया जो भी सैलरी है, अब वो एक्सेस जो अमाउंट है, एक्सेस जो मनी है, सैलरी है, वो आप मम्मी के अकाउंट में रख रहे हो, ठीक है? लेकिन कीवर्ड क्या निकल कर आया अभी हमारे पास, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? रेपो रेट लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। रिवर्स रेपो रेट लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग क्यों नहीं हो सकता यार? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है अपना फंक्शन कैसे चलाएंगे, इनके पास इतना मनी सप्लाई थोड़ी ना होता है। अगर नीड एकदम से पड़ गई या कुछ भी हो गया, फॉल्टर करने लगा, तब तो वो होगा। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.3% था 31 मार्च 2022 तक। अभी तक हमारी एनालिसिस क्या कहती है, सबसे ज्यादा रेट किसका? बैंक रेट कितना, लगभग 4.25%। उसके बाद किसका रेट? रेपो रेट 4%। उसके बाद
3.35, ठीक है। अब नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो थी, उसने जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर जो 1998 में उसने रिपोर्ट निकाली, ठीक है, आरबीआई ने ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी थी। इस अम्ब्रेला के अंतर्गत उसने 3 सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे, इसके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ही पार्ट है, यानी कि आप समझ जाना इस चीज को। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो मनी सप्लाई का है आरबीआई के पास, वो बैंक रेट था। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का बर्थ होता है आफ्टर नरसिम्हन कमेटी की एक रिपोर्ट जो की थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर 1998 में। इससे आया एलएएफ का कंसेप्ट। एलएएफ के अंदर तीन बच्चे और हुए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और बहुत सालों के गैप के बाद एक डिकेड पहले 2011 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा एक और इंस्ट्रूमेंट, सब इंस्ट्रूमेंट अंडर एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये आप आज ही याद कर लेना। मेंस में कई बार जब मैं मॉक टेस्ट लिखता था, मुझे एक बार क्वेश्चन याद है और मैं ब्लैंक हो गया था कि मैं लिखूं क्या। डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्वेश्चन था 250 वर्ड्स का, सिंपल सा क्वेश्चन था। शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना मॉक टेस्ट वाले इंस्टीट्यूट्स के, विजन आईएएस का सॉल्व कर रहा था मुझे याद है, तो वो पहले ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक इजी इजी क्वेश्चन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके लेवल रेज करते हैं। लेकिन मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी थी नहीं। ये एलएएफ और एमएसएफ मैंने कहा पढ़ तो रखे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएट कैसे करूं, इनमें से ज्यादा बड़ा क्या है और कौन किसका पार्ट है। एलएएफ के अंतर्गत ही तो एमएसएफ आया है, राइट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक बड़ी चीज है ना, जिसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ भी है। एमएसएफ पार्ट है एलएएफ का, समझ रहे हो अंडरस्टैंडिंग। ये एनालिसिस आप भी ले लो ताकि आपसे गलतियां ना हो। हाँ ऑब्वियसली बात है, ये लेटेस्ट एंट्रेंट है। एलएएफ तो कब का आ गया था? एलएएफ तो ये आरबीआई ने नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट के जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की रिपोर्ट निकली थी 1998 में इंट्रोड्यूस कर दिया था ऐसे तो एलएएफ को। एलएएफ के अंतर्गत वो 3 सब इंस्ट्रूमेंट्स लाते गए अलग अलग वक्त पे, पहले रेपो रेट लेकर आए, फिर रिवर्स रेपो रेट लेकर आए, लास्ट डिकेड में 2011 में लेकर आए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एलएएफ तो पहले आ चुका था, ठीक है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं गलती कर चुका हूँ, मैं ब्लैंक हो चुका हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ एक मॉक टेस्ट के अंदर। और मान लो अगर वो रियल यूपीएससी का पेपर होता तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें रखनी चाहिए। यूपीएससी बहुत क्रूअल है, एज फार एज इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मेकिंग इट कैन गो टू फ्रेमिंग क्वेश्चन लाइक लिस्ट डाउन ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड विच फंडामेंटल राइट इज अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। आते हुए भी ब्लैंक हो जाओगे, क्या लिखोगे 8-10 मिनट, 7.5 मिनट के अंदर बताओ। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई 2011। यार ये ना एक बात बताऊं, अगर जैसे आरबीआई ने कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस कर रखी होती ना यार, इसके ईयर ना अब इंपॉर्टेंट है हमारे कमिंग एग्जाम्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी और होता क्या है? सारे के सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हमारे देश के अंदर जिनका आरबीआई के पास करेंट अकाउंट का खाता हो, वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और जनरली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का खाता करंट अकाउंट की फॉर्म में ही होता है आरबीआई के पास। क्यों? सेविंग अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती रहती है ना, सेटलमेंट्स। एक बैंकिंग की भाषा में एक नाम सुना, एक टर्म सुना होगा ना, सेटलमेंट। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन और जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन, जैसे मैं उसी दिन आपको बता रहा था, याद है एटीएम वाली बात, अभी लास्ट लेक्चर के अंदर आईसीआईसीआई और एसबीआई कोटक या ऐसे कुछ बता रहा था मैं आपको। और तब मैंने बोला था अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो उसको एक दो दिन के अंदर सॉल्व, तो बिग डैडी आ जाएगा बीच में। बिग डैडी कौन है? आरबीआई। और ये ट्रांजेक्शन तो जल्दी जल्दी तभी हो सकती है ना जब करंट अकाउंट हो।
अब दे कैन अवेल एन ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन. ओवरनाइट का मतलब क्या होता है? अरे लगभग एक दिन के लिए, ठीक है, करी रात भर, ठीक है. हाँ, जैसे हम लोग ट्रिप्स नहीं होती हैं जैसे शरे हनीमून वाली के 7 days 6 nights और 5 days 3 nights. तो बेसिकली होता है कि दिन ही तो होता है, मतलब भाई पूरे का पूरा मिलाकर देना रात का समय 24 घंटे का. तो दे कैन अवेल, वो तो कह रही रात भर, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है. अरे नहीं नहीं, मतलब मैं भी उस सेंस में मतलब बेसिकली कह रहा हूँ कि हाँ एक रात भर के लिए 24 घंटे का जो समय जो बीत जाता है उसके लिए, है ना. दे कैन अवेल एन ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन. अभी ओवरनाइट लॉन्ग टर्म तो हो नहीं सकता वैसे भी. अप टू 2% जितनी भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है ना, उसके ऊपर 2% का लोन लगभग एक दिन के लिए मिल जाएगा आरबीआई से. जितनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट. पहले मुझे बताओ प्रीसीडिंग का मतलब क्या, जो बीत गई. फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, लगभग कौन से कितने दिन, कितने हफ्ते, 2 हफ्ते. तो सेकेंड फोर्टनाइट का मतलब क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले. उससे पहले जितने भी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज अनफुलफिल्ड थी, आउटस्टैंडिंग थी, उसके ऊपर 2% का शॉर्ट टर्म लोन ओवरनाइट टाइम ड्यूरेशन के लिए अवेल कर सकते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. लेकिन यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना पड़ेगा एज अ कोलेटरल. अब सवाल ये उठता है कि सर अगर कोई एक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर ऑलरेडी रेपो रेट के अंतर्गत वो लोन ले चुका हो आरबीआई से, तो क्या वो रेपो रेट के अलावा एमएसएफ को भी यूज कर सकता है क्या? बिल्कुल. दिस फैसिलिटी इज इन एडिशन टू लोन्स ऑन रेपो रेट. इसको समझाऊं कैसे. फर्जी मूवी देखी है, उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, जब उसके चाचा मान जाते हैं नोट छापने के लिए, तो मयूर वो कहता है ना कि सनी और पैसा कहां से लाएगा, तो दोबारा उन बाप बेटों के पास जाते हैं. तो वो कहते हैं ना, हम कितने बड़े तेरे को सी देखते हैं कि एक लोन जिसको तू चुका नहीं पा रहा है उसके ऊपर से तेरे को दूसरा लोन चाहिए. ये जो एक लोन जो चल रहा है ना और जो दूसरा लोन चाहिए, जैसे वो कहते हैं हम कितने बड़े सी देखते हैं, तो यही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. उस मूवी से अगर आप रिलेट करके पढ़ो तो तभी कहता हूं पिक्चरें देखा करो. कब बोला था, फर्जी देखी है, देख लो मूवी से ही इंटरकनेक्शन होते हैं. पता नहीं तुम लोग पता नहीं क्या देखते रहते हो. हाँ बता रहा हूँ आपको यार, एक बार बताओ ना, फर्जी के अंदर उसके नाना का लोन चुकता हो नहीं पा रहा, प्रेस गिरवी पड़ी हुई है, उसको चुकाने के लिए मुशक्कत कर रहे हैं दोनों, है ना, फिरोज और सनी, शाहिद कपूर और उसका जो वो है, ठीक है. अब वहां पर जब उनको ये पता लग जाता है कि हम पैसा बना सकते हैं, नोट छाप सकते हैं, नकली नोट, अब उसके लिए प्रिंटिंग और जो डाई है, पूरे का पूरा इंक है, मशीन्स हैं, इसके लिए पैसा चाहिए होता है. जिससे जिसको लोन पहला वाला दे नहीं पा रहे, उसके बाद एक और लोन दोनों लेने पहुंच जाते हैं. रेपो रेट के अंतर्गत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ऑलरेडी लोन चल रहा था. सवाल ये पूछ रहा हूं, जब एक लोन चल रहा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो आरबीआई से उन्होंने ले रखा है, इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है, तो क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है क्या? बिल्कुल है. और एक बात बताऊं मैं आपको अर्पित, ये ओवरनाइट के लिए 2%, हाँ ओवरनाइट के लिए 2% बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा है, अच्छा अब बहुत ज्यादा है तो फर्जी मूवी से रिलेट करो, वो क्या कहता है 24% ब्याज लूंगा, फिर उसका कहता है अरे अंकल 18% नॉर्मल भाव है, तो कहता है सिचुएशन नॉर्मल नहीं है ना, ये सिचुएशन भी नॉर्मल नहीं है, रेपो रेट के अंतर्गत उनका लोन चल रहा है ऑलरेडी, तुम लोन के ऊपर लोन मांगने आए हो, तो एक रात के लिए 2% ब्याज यार, बिल्कुल रेट हो गया मयूर। हाँ लोन, हाँ वही वही पाकिस्तान जो IMF से और लोन ले रहा है ना, वो फंसा चला जा रहा है अपने गड्ढे के अंदर। मैं लेकिन एक बारी ना इसकी टाइम ड्यूरेशन आपको बता देता हूँ फिर से इसमें, क्योंकि अभी तक मुझे भी कंफ्यूजन होती है अगर मैं रिवीजन बहुत टाइम तक ना करूँ। मैं लेकिन टाइम ड्यूरेशन एक बारी फिर से आपको बता देता हूँ इसको मिटाते हैं, कीवर्ड्स फिर से मार्क करता हूँ मैं आपके लिए। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी LAF के अंतर्गत लेटेस्ट फैसिलिटी है जो कि RBI ने इंट्रोड्यूस करी लास्ट डिकेड साल 2011 में। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, सारे के सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिनका करंट अकाउंट में खाता हो RBI के पास वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। वो लगभग एक रात से ज्यादा के लिए, यानी कि लगभग 24 घंटे तक एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं 2% ब्याज की दर पर, अगर कंडीशन है एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, दो हफ्ते पहले जब एक टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ हो 14 दिन का, दो हफ्तों का, वहां पर कुछ नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज जो है वो आउटस्टैंडिंग हो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की RBI के सामने, और उसको स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को अवेल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखवाना पड़ेगा गिरवी एस कोलेट्रल। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, यहां देखो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हमने क्या पढ़ा था, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जिसके अंदर सारे कंपोनेंट 1, 2, 3 ये सब आते हैं, बस बैंक के जो एसेट्स होते हैं दूसरे बैंक के पास उसको माइनस कर देते हैं। और बैंक के एसेट्स क्या हैं, एसेट्स ऑफ बैंक विद अदर बैंक, एक्स्ट्रा मनी जो दूसरे बैंक के पास पड़ा रहता है, एडवांसेस बाय बैंक जिसने इसने लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसको माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। उसी की बात यहां पर हो रही है, जितनी आउटस्टैंडिंग नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दूसरे हफ्ते के एंड पे रह गई होती है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, उसके अगेंस्ट में लगभग 24 घंटे के लिए एक रात के लिए लोन लिया जा सकता है RBI से स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। RBI जो ब्याज लगाएगा वो 2% लगाएगा। अगर रेपो रेट, अब सवाल ये उठता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जिस रेट पर RBI जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। जब एक लोन चल रहा है 4% ब्याज तो इसी का है ना श्रेया मयूर, 4% ब्याज तो इसी का चल रहा है। तो सवाल ये उठता है, जब ये प्रिंसिपल अमाउंट स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को देना बाकी रह गया है, ब्याज देना बाकी रह गया है अंडर रेपो रेट रीपर्चेज ऑप्शन रेट, तो क्या एक और फ्रेश लोन मिल जाएगा क्या एक रात के लिए? बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए विंडो बनाई है RBI ने, विच इज नोन एज मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी इज इन एडिशन टू द लोन्स ऑन रेपो रेट। देख रहे हो मयूर, अब समझ में आया, रेपो रेट के अंतर्गत अगर कोई लोन चल रहा है तब भी मिल जाएगा एडिशनल, ये लोन ये एडिशनल लोन है, इट इज अ लोन ऑन एडिशनल लोन ऑन करंट लोन। कोलेट्रल तो वहां पर भी रखवाना था, हाँ यहां पर फिर से वही तो है ना, रिस्ट्रिक्शन भी बहुत सारी है ना, दो हफ्ते की एंड के बाद पर NDTL भी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ
अब देखो ना, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक श्रेया, अगर ऑलरेडी सारे के सारे कोलेट्रल अगर रेपो रेट के अंतर्गत रखवा चुके हैं, तो फिर और कुछ गिरवी रखने के लिए है नहीं, तो वो एमएसएफ को यूज नहीं कर सकेंगे, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते के एंड में अगर एनडीटीएल अगर ना बचाओ तब भी नहीं ले सकते आउटस्टैंडिंग। अब 2% देखो कितने पे लगेगा। पैसा कमाने का जरिया देखो एक बारी आरबीआई का, मतलब आरबीआई देखो दुश्मन नहीं है किसी भी बैंक का, वो नहीं चाहता कोई बैंक के ऊपर बर्डन पड़े, लेकिन एक लेमन टर्म के अंदर बस हमारे लेक्चर के अंदर समझाने के तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर क्या है यार, एक होता है कि आप ना कितना अमाउंट ले सकते हो मैक्सिमम, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम अमाउंट विच कैन बी एक्सेस थ्रू एमएसएफ इज 1 करोड़ रुपीज। एक रात के लिए लगभग कितना पैसा उठाना पड़ेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, 1 करोड़। अब अगर किसी बैंक को नीड है तो 1 करोड़ 25 लाख की, तो आरबीआई कितना देगा, 2 करोड़। किसी बैंक को नीड है 2,99,99,999 रुपए की, कितना देगा, 3 करोड़। क्यों? रूल की कहता है एमएसएफ का, मिनिमम अमाउंट जो एमएसएफ से आप उठा सकते हो वो 1 करोड़ है। क्यों? आरबीआई यहां चिल्लरों में नहीं खेलता एमएसएफ के लिए, आरबीआई को भी थोड़ा सा बढ़िया ब्याज चाहिए ओवरनाइट के लिए, और 1 करोड़ का 2% कितना हुआ, 1 करोड़ का 2% कितना हुआ भाई, क्या हो गया, 1 करोड़पति बनोगे रे तुम यार नहीं बताओ ना कितना हुआ, 2% यानी कि देख रहे हो पैसा, देखो भाई मिनिमम से मिनिमम भी एमएसएफ के अंदर आरबीआई के पास एक रात में कितना पैसा आ जाता है, मिनिमम तो क्योंकि 1 करोड़ है, तो मिनिमम कितना पैसा आ जाता है, 2 लाख, और वापस कितना आएगा, 1 करोड़ 2 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर एमएसएफ इज 25 basis points, दैट इज 0.25% अबव द रेपो रेट। यानी कि अगर रेपो रेट कितना चल रहा है, 4%, तो 0.25% अगर ये ऊपर है तो कितना हुआ, 4 + 0.25 = 2, वो छोड़ो वो तो ठीक है, वो तो एनालिसिस हमारी रूली है ना, इट शुड बी 0.25% या 25 basis points अबव द रेपो रेट। तो जितना रेपो रेट चल रहा होगा उसमें 25 पॉइंट और ऐड कर दो, तभी तो मैंने बोला था। अब आप खुद एक बार बताओ जरा, आप सब लोग अर्पित श्रेया मयूर सब लोग एक बार बताओ, कुछ फायदा है अभी इसके नोट बनाने का एंड रेट्स का, है अर्पित, दिमाग को खपाने वाली और फालतू की टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है, एग्जाम में बैठो तो जान लो, बस ये रूल्स पता होने चाहिए कि ना एमएसएफ का रूल ये कहता है कि वो 25 basis points ऊपर होगा जितना रेपो रेट चल रहा होगा, एग्जाम में बैठने से पहले श्रेया देख लो कि रेपो रेट कितना चल रहा है। अब इससे पता क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी आता है, मान लो कि अगर मैं भूल गया एग्जाम के अंदर भाई एमएसएफ कितना है, मैंने नोट्स में लिखा था यार सारे फैक्ट्स मिक्स हो रहे हैं, तो मुझे एक अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पॉइंट याद आ जाएगा, यार नहीं यार मैंने बुक के अंदर ये पढ़ा था कि जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट होता है ना वो 25 basis points ऊपर ही होता है रेपो रेट से, तो जहां रेपो रेट आपको याद आया एमएसएफ ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। तभी तो मैं पूछ रहा था ये कि 4 + 0.25 = 2। अब जितना भी चल रहा है उस टाइम पर, मतलब जो भी आएगा वो रूल है तो आप निकाल सकते हो ऐसे। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2022 इट इज स्टूड एट 4.25%। ये कैसे आया नंबर, क्योंकि 4% किसका चल रहा था, रेपो रेट। एक सेकेंड, बैंक रेट के साथ भी यही होता है, ये वाला पॉइंट है हमारे एनालिसिस का, वो भी 25 basis points रेपो रेट से ऊपर ही तय होता है।
हमारे पास दो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे, हमारे पास दो रूल आ गए हैं अब, टू इंपॉर्टेंट रूल्स अभी के लिए। ये रूल वैसे तो काम करते ही, देखो आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि चेंज हो रहे हो ना हो रहे हो, लेकिन सच बताऊं फ्रेंकली ऑन रिकॉर्ड, मैं इकोनॉमिक्स में कभी इतना अच्छे से पढ़ता नहीं था। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना आई जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करी, बस यही वाली बात है। एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स या फिर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नहीं होते थे मुझसे। उसके बाद एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी से मुझे समझ में आया कि यार दीपांक परेशान क्यों हो रहा है इनको याद करने में, दो रूल्स ही याद कर ले, अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन निकल आएगा। क्या है रूल? कि बैंक रेट जो है प्लस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों हमेशा 25 बीपीएस या 0.25% ऊपर ही होंगे विद रिस्पेक्ट टू अब मेहनत कैसे बचा सकता हूं मैं अपनी श्रेया मयूर, एग्जाम में बैठने से पहले सबसे इनमें से सारे रेट में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रेट मुझे पता होना चाहिए? रेपो रेट। एक तीर से कितने निशाने लग जाएंगे फिर मेरे, अगर रेपो रेट मुझे पता है तो। हाँ रेपो, ठीक है, वेरी क्लेवर मयूर, एक तो रेपो रेट का खुद पता लग जाएगा, ठीक है ए भगवान, फिर बैंक रेट पता लग जाएगा और एमएसएफ पता लग जाएगा, ठीक है मयूर मेरे जैसे कृपया ना बने आप। एक सेकंड मेरे भाई रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ना रहेगा इसलिए मैं रुक रहा हूँ जरा एक मिनट। हाँ बोरिंग लिमिट जो है ना, एक मिनट नहीं, जो बोरिंग लिमिट है ना 2% ऑफ NDTL अंडर MSF, इसको 3% बढ़ा दिया गया था बाय RBI इन 2020 एज अ मेजर टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ COVID-19। ये कोविड के टाइम पे करा गया था, दो परसेंट लेता है ना 2% ऑफ देयर NDTL, 3% ऑफ देयर NDTL कर दिया गया था COVID-19 के टाइम। ये लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन है, डोंट वरी, अभी ये यहीं पर है टॉपिक, काम गया COVID-19, ये COVID-19 के मेजर मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स और हमारी कंट्री ने, इंग्लैंड ने, यूरोपियन यूनियन ने, इन सब ने क्या अपनाए ये हम देख लेंगे, डोंट वरी, अभी छोड़ दो उसको। एक मिनट रुकना और बस। हाँ आप बताओ मयूर क्या कह रहे थे। कौन कौन MSF की, अच्छा MSF की फैसिलिटी अवेल करने से पहले, ठीक है हाँ 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 आउटस्टैंडिंग NDTL के अंदर कितनी पोजीशन चल रही हैं, और NDTL मैंने अभी आपको बताई दिया, NDTL में आउटस्टैंडिंग कितना कुछ रह गया चुकाने को, देने को, याद है ना हम लोग क्या कर रहे हैं NDTL में, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी से बैंक के सारे एसेट्स को माइनस कर रहे हैं। अब वो कितना रह गया है, बैंक के एसेट्स मतलब बैंक की कमाई, और लाइबिलिटी बता जो चुकाना है। अब इसको ईजी करके बताऊँ, मैं जानता हूँ अभी भी आपके दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत डाउट आप सबके रह गया है, आप ना अभी भी मुझसे ये पूछ नहीं पा रहे हो चाहकर भी कि सर ये NDTL आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, ये कुछ दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है यार आप पढ़वा चुके हो NDTL का मतलब वो करके, अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है आप नहीं पूछ पा रहे होगे, पक्का रह गया होगा है ना, चले आ रहा होगा ना मन के अंदर ये कि आउटस्टैंडिंग NDTL क्या है भाई 14 दिन का, इसको तो समझा दो एक बार आराम से। ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले NDTL में हम लोग ये जानते हैं कि अब बकवास छोड़ो,
एक है बैंक का कर्जा, कर्जा नहीं सॉरी सॉरी कर्जा नहीं बोलते हैं उसको, एक है बैंक का बर्डन, बर्डन बर्डन, और प्लस हम उसमें से बैंक के एसेट्स को माइनस करते हैं ना, बर्डन बैंक का बर्डन माइनस बैंक के एसेट्स, ठीक है। मैं अपने नोट्स में इसको सिर्फ प्रीलिम्स के पेपर के दिन सुबह याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एनडीटीएल मतलब यही है ना, कुछ गलत करा नहीं ना, नोट मेकिंग के हिसाब से तो अच्छा ही है, बुरा लग रहा है ना। नहीं वो नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ वो सारे के, हाँ वो मैं वही तो बता रहा हूँ, एसेट्स और बैंक्स कुछ भी हो अदरवाइज, मैं कह रहा हूँ वो टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ दो, हम अभी यहाँ पर आराम से समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि एसेट है ना वो, एसेट एसेट पे फोकस करो बस, वो मेरा पैसा भाई, वो मेरे पास आएगा, तरक्की है वो मेरी। अब बर्डन में से एसेट को अगर मैं माइनस करता हूं, अगर मेरे 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 आउटस्टैंडिंग चीज एसेट्स के फेवर में है तो मैं पागल हूं, मैं एमएसएफ का यूज करूंगा ओवरनाइट के लिए, मैं नेट प्रॉफिट में हूं 14 दिन के एंड में, जब देखा कि अब मेरे एसेट ज्यादा हैं लायबिलिटी कम है, मैं पागल हूं आरबीआई के पास जाऊंगा एक रात के लिए लोन दे दो 1 करोड़ का, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो और रेपो रेट के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है लोन 4% का। नहीं, अगर 14 दिन के बाद अगर ये निकला मेरा लायबिलिटीज, ज्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स, अब समझो इस चीज को मयूर शांत दिमाग से सब लोग, यही तो आउटस्टैंडिंग बर्डन की बात कर रहा था एट द एंड ऑफ 14 दिन का टाइम पीरियड जो बीत चुका है, अब उसे उन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को मिटाना है बैंक को, बर्डन को मिटाना है। सर मुझे और पता है क्या, कुछ नहीं है, बैंक की जो बैलेंस शीट है ना, जो अकाउंट मैनेजमेंट शीट है, उसको वो उसको क्लीन करना है बिल्कुल बिल्कुल, उसे वो सपाट शट बिल्कुल बैलेंस चाहिए, और उसके लिए चाहिए पैसा। हाँ ये बस यही समझाना चाह रहा था, बस निकल गया ना आपके मुझसे ये वाली चीज, एवरी फोर्टनाइट। अब एवरी फोर्टनाइट बेसिकली क्या है, यहाँ आरबीआई कोई पुश थोड़ी ना कर रहा है कि तुम्हारे एसेट ज्यादा निकल गए तो तुम नहीं आओ, यार बैंक खुद सोचेगा ना मैं पागल थोड़ी ना 1 करोड़ का लोन उठाऊंगा बेफालतू में, यार भगवान की कृपा से आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप आईएएस बन गए, सब कुछ हो गया, आप जो चाह रहे वो बन गया, आपके करोड़ों रुपए का ब्याज उठा लोगे बेफालतू में, क्या झंझट की जरूरत आपको मगजमारी की बेफालतू की, आपके पास मंथली इनकम 4 करोड़ रुपए आती है, आपको कोई फालतू का लालच नहीं है, बिजनेसमैन नहीं हो कुछ नहीं हो, आप क्यों लोन उठा लोगे भाई बेफालतू में, यहां पर जब बर्डन होता है मतलब जब लायबिलिटीज जब जो ज्यादा निकल कर आई, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो कि आउटस्टैंडिंग है, जब बर्डन लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम निकले बैंक के विद अदर बैंक्स 14 दिन की कैलकुलेशन में जो उसको देखा गया, तो बैंक को बैंक अब ये डिसाइड करेंगे एक्सक्लूड कमर्शियल बैंक्स, सबसे पहले तो वो देखेंगे, हाँ भाई श्यामलाल जरा देखना रेपो रेट में जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगा रखी हैं आरबीआई के पास, अब कुछ बची है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो कहेगा नहीं बची,
अब बैंक, अरे यार एक तो साला लायबिलिटी भी बढ़ गई है और कुछ है भी नहीं यार आरबीआई के पास गिरवी रखने को। एमएसएफ की फैसिलिटी है भी लेकिन आरबीआई मानेगा नहीं यार, कुछ है ही नहीं। दूसरी जगह दूसरे बैंक का केस है, उसने बोला भाई रामलाल ज़रा देखना रेपो रेट में जो हमने लोन ले रखा है आरबीआई से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती थी सारी, कुछ बची हैं? वो कहेगा हाँ सर बची हैं, इतनी हैं कि जिससे एमएसएफ पे लोन उठा लें एक रात के लिए। वो कहेगा हाँ हैं। वो कहेगा बढ़िया चलो बैलेंस शीट क्लियर करते हैं अपनी, ले आओ आरबीआई से लोन। वो कहेगा सर कितना? वो कहेगा मल्टीपल्स में मिलता है 1 करोड़ का देख लो। वो कहेगा 4 करोड़ 25 लाख सर हमारी लायबिलिटी है। वो कहेगा 5 करोड़ का लोन ले जाओ के जाओ। हाँ क्रेडिट वो ले लेते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ये एमएसएफ बेसिकली पता क्या है, वो एक्स्ट्रा जो क्रेडिट है ना वो इतना बैंकों के पास ना 1 करोड़ के मल्टीपल्स में इतना सारा पैसा होता नहीं है एकदम से देने के लिए। और पता क्या है, दूसरा एक बैंक दूसरे बैंक को एक रात के लिए इतने सारे पैसे देगा नहीं। ये वाला काम तो बेस्ट तो यही है, आरबीआई के पास जाओ, पहले बताओ पूरी कहानी समझ में आई आपको? और सीबी सचदेवा से एडवांस लेवल में कुछ जानने को मिला? अच्छा लगा लेक्चर अभी यहां तक? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।